बाहर मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में है मॉडलिंग की एक स्टूडेंट और बहुत ही अच्छी मॉडल भी हैं। अभी एक साल हुआ है इनको करते हुए, सौम्या सिंह बैस हमारे साथ में। सौम्या, आपका स्वागत है। सौम्या, थोड़ा अपना परिचय बताओ। आप मेरा नाम सौम्या सिंह है और मैं अभी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ रायपुर में। एक साल हुआ मुझे और मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस पर इंटरेस्ट है और मैं मॉडल्स को फील भी करना चाहती हूँ ताकि मैं उनके हिसाब से ड्रेसेस रेडी कर सकूँ। क्या किस इंस्टीट्यूशन में हो अभी? किस इंस्टीट्यूट में हो आप? मैं अभी SIDI में हूँ, शंकर नगर। क्या अनुभव रहा होगा अभी एक साल का आपने अभी किया, तो क्या लगा आपको? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा हार्ड भी है और बहुत मज़ा आता है क्रिएटिविटी करने में और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत इनोवेटिव फील्ड है और बहुत ही बड़ा फील्ड है। इसमें अगर सौम्या दिमाग लगाया जाए या बात की जाए तो आपसे क्या डिफरेंट करना चाहती है सौम्या? बहुत सारे आपने जैसा बताया कि एक साल में देखा बड़ा इनोवेटिव है, बहुत सारी चीज़ें, तो क्या डिफरेंट करना चाहते हो आप? तो बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे छत्तीसगढ़ को सब कोई जाने, इसलिए मैं यहाँ का कल्चर को अपने ड्रेसेस में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जैसे कि बस्तर आर्ट हो गया, मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उसको वेस्टर्न ड्रेसेस में डाल करके उसके प्रिंट्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ ऑल ओवर द इंडिया और इवन इंटरनेशनल भी चाहती हूँ मैं। कि उस तरीके से चाहते हो कि छत्तीसगढ़ का वो करो। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या जानती है सौम्या? छत्तीसगढ़ बहुत ही प्यारा है और यहाँ बहुत सारे कल्चर्स हैं और यहाँ का कल्चर बहुत ही अच्छा है और यहाँ का म्यूज़िक भी अच्छा है और मुझे यहाँ का बस्तर आर्ट पे बहुत इंटरेस्ट है। बस्तर आर्ट में देखते हो तो आप, बस्तर आर्ट में क्या लगता है आपको जब देखते हो तो क्या खासियत दिखती है उसके अंदर में? बस्तर आर्ट बहुत सिंपल है बट बहुत क्लासी है। बस्तर आर्ट को अगर कहा जाए तो सौम्या को बताऊं मैं कि 10,000 साल पुरानी सभ्यता, आदिम जाति का अगर हम लोग सुना था कि कैसे मानव सभ्यता शुरू हुई थी, तो उस तरीके की सभ्यता आज भी छत्तीसगढ़ में अगर पूरे विश्व में कहीं पर दिखती है तो भारत में खास तौर से तो वो बस्तर है जहाँ पर दिखती है। वहाँ आज भी हमारे पुराने आदिम जाति युग के जो लोग थे, जिस तरीके की संस्कृति थी, परंपरा थी, वो आज भी मानी जाती है, इसलिए सौम्या हम लोग को बेहतर लगता है। सौम्या, अपनी तरफ से बताओ कि अभी उसके अलावा पढ़ाई क्या करते हो? मतलब वही ट्वेल्थ किया आपने? हाँ, मैं ट्वेल्थ के बाद अभी फैशन डिज़ाइनिंग पे ही ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रही हूँ और साथ पे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ ताकि मुझे दिल्ली या मुंबई पे यूनिवर्सिटी मिल जाए और मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँ। दो नाव पे रख रहे हो तो आप, लगता है कि हो पाएगा? कोशिश तो है। एग्जाम भी है और फैशन और मॉडलिंग भी है, पैशनेट भी है और दोनों बहुत समय मांगते हैं। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं। फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है? फैमिली का मेरा सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है, मुझे हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं एंड वो हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम कर सकते हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा वर्ड होता है कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि जनरली पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बहुत लोगों को, और मैं बहुत खुश हूँ अपने मेरे ऐसे पेरेंट्स से कि जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे करने दे रहे हैं। गर्ल्स जो मॉडल बनना चाहती है उसको क्या कहोगे? गर्ल्स जो मॉडल बनना चाहती हैं तो मॉडलिंग बहुत अच्छा फील्ड है और फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है मॉडलिंग पे और कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में निशा द्विवेदी भी है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ का और बस्तर पे आपका बड़ा प्रेम है तो उसका नाम रोशन करें। जय जोहार, जय जय किसान।